पीलीभीत में जिलाधिकारी पुलकित खरे ने कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय उच्च प्राथमिक विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में छात्रावास कक्षाओं का निरीक्षण किया। विद्यालय में मासिक टेस्ट की पुस्तिकाओं का अवलोकन किया। प्राथमिक विद्यालय में होने वाले कायाकल्प की जानकारी ली। कायाकल्प के तहत होने वाले सभी कार्य अपूर्ण मिलने पर प्रधानाध्यापक की फटकार लगाई गई और एक अध्यापक समेत पूर्व सचिव वर्तमान सचिव पर कार्रवाई की गई है। निलंबन की कार्रवाई करने के आदेश दिए गए। बता दें ईडीओ पंचायत के कार्यों में लापरवाही बरतने पर ही निलंबन की कार्रवाई की गई है। बिलसंडा ब्लॉक के ईट गांव का पूरा मामला है। आज लगातार औचक निरीक्षण किए गए बिलसंडा ब्लॉक के और प्राथमिक विद्यालय और संकोचित विद्यालय में निरीक्षण किया। क्या कुछ पाया गया? बिलसंडा ब्लॉक के कस्तूरबा गांधी विद्यालय और जुमने विद्यालय का निरीक्षण करा गया है। कस्तूरबा गांधी विद्यालय में है बालिकाओं की शिक्षा को लेके है अधिकांश व्यवस्थाएं ठीक मिली। वहाँ पे किचन भी अच्छे से संचालित था। शौचालय में जरूर कुछ कमियां मिली जिसको वार्डन को बताया गया कि उनको ठीक करा लें। साथ ही साथ बच्चियों की शिक्षा को लेके किस प्रकार से हर महीने परीक्षाएं होनी चाहिए जिससे बच्चियों को अपनी शिक्षा में बेहतर करने का मौका मिल सके, ये निर्देश दिया गया। जूनियर विद्यालय में काफ़ी खामियाँ सामने आई। इसमें जिन अध्यापक के पास वित्तीय चार्ज है उनके निलंबन का आदेश दिया गया है क्योंकि उनके द्वारा ना ही पुस्तकालय ना ही खेल का सामान का कोई हिसाब रखा गया था। शौचालयों की भी बुरी स्थिति थी वहाँ पे है। वहाँ पे सचिव के विरुद्ध भी कार्रवाई करी जा रही है क्योंकि ये ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत लगातार पिछले एक साल से शौचालयों के है और स्कूल के रखरखाव के लिए कहा जा रहा है। जो हैंड वॉश का सिस्टम था उसकी टोटियाँ भी गायब थी हैं। कोई टंकी का भी वहाँ पे नहीं लगाया गया था जिससे रनिंग वाटर शौचालयों में आ सके। साथ ही साथ वहीं पे जो सामुदायिक शौचालय है उसका रखरखाव भी अच्छा नहीं था और केयरटेकर को भी कई बार कहने के बावजूद मानदेय नहीं दिया गया था। इसको लेके वहाँ के सचिव के ऊपर कार्रवाई करी जा रही है। सर कितने सचिवों ने कार्रवाई की गई वहाँ पर? उस ईंट गांव के जो सचिव हैं उनके ऊपर कार्रवाई करी जा रही है क्योंकि शौचालय सामुदायिक शौचालय की रखरखाव और विद्यालय के शौचालय एंड कायाकल्प का काम दोनों ही ठीक से नहीं करा गया था। साथ ही साथ जो ईडीओ पंचायत हैं उस ब्लॉक के उनके ऊपर भी कार्रवाई करी जा रही है।